वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ पीसेस हैं बचे हुए। ये थोड़ा एक हमारे पास चिकन का टुकड़ा है ब्लैक कलर का, और ये हमारे पास छोटे छोटे पीसेस हैं। ये देख रहे हैं आप इसको, ये है, उसके बाद ये एक बड़ा पीस है। ठीक है, हम इसकी मदद से अपनी खूबसूरत सी फ्रॉक बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना स्कर्ट निकालेंगे इसमें से, फ्रॉक में से। ठीक है, ये मैंने लिया है, ये जो बड़ा पीस है। सबसे पहले हम इसको ट्राई करेंगे और इससे जो है हम स्कर्ट निकालेंगे अपना। ठीक है, ये हमारे पास दो पीस हैं जो हमारे बड़े साइज़ के हैं थोड़े से, तो उससे हम स्कर्ट निकालेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह हमने इसको लिया यहाँ से। ठीक है, अब इसको मैं नाप कर सेटअप करूँगी अपना। अब इसको हमें लेना है, ये तकरीबन हम इसको इसकी फ्रॉक बनाएंगे 2 इयर्स बेबी के लिए, तो उसी हिसाब से हम स्कर्ट लेंगे अपना। ये मैं स्कर्ट ले रही हूँ तकरीबन 11 इंच का। ठीक है, अब इसको मैं कटिंग करके निकालूंगी। उसके बाद यहाँ से हमारा पीस ये थोड़ा सा डिफॉल्ट है, इसको मैंने काट के निकाल दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये पीस आया है हमारा, देख रहे हैं, जो हमारे पास जितना बड़ा पीस रखना है वो ये आया है। इसकी विथ हमारे पास है ये 10 इंच, मतलब 20 इंच फ्रंट होगा, 20 इंच बैक होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने इसको सेट करा। एक पीस हमारा छोटा है, इसमें हम हल्का सा जोड़ लगा देंगे। ये लिया, इस तरह हमने इसको सेट किया, और करने के बाद जो है हमारे पास जो पीसीज हैं इसकी इसमें से हम पीस निकालेंगे अपना, और उसके बाद इसको जोड़ लगा देंगे। ये देख रहे हैं, ये पीस हमने लिया, अब इसको हम इसके साथ ही कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा स्कर्ट हो गया है, और ये प्रिंट ऐसा है, इसमें अगर हम जोड़ भी देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इसका ऊपर की बॉडी कटिंग करेंगे। बॉडी के लिए हमें ये हमारे पास पीस है, ये लेंगे हम, फ्रंट पे डालेंगे इसको। ठीक है, जितनी हमें इसकी ज़रूरत है उतना हम पीस लेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसको यहाँ तक मैंने लिया है, अब पहले इसको काट के निकाल देंगे। आप देख रहे हैं, हमने अपना ब्लैक पीस जितना हमें ज़रूरत थी उतनी मैंने निकाल लिया उस पीस में से, और बाकी हमारा फ्रंट बैक का है। बैक में मैंने 1 इंच के करीब ये छोड़ा है, आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 इंच हमने छोड़ा है यहाँ से, और ये चीज़ हमने ब्लैक हमें जितनी ज़रूरत थी वो उतना हमने निकाल लिया। ये मैंने लिया तकरीबन 6 इंच, और विथ हमारी जो है 7 इंच के करीब है, जो हमें फ़्रॉक के लिए रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पीस को लेंगे, यहाँ से जो हमारे पास ये पीसीस पड़े हुए इसी में से हम निकालेंगे डिज़ाइन डालने के लिए। ठीक है, ये जो हमारे पास टुकड़े हैं सारे, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से पीसीस हैं, तो इसमें से लेंगे। ये बड़ा पीस हमारे पास एक ये है, इसको मैं इस तरह सेट करूँगी। ये देख रहे हैं आप इसको, ये पूरा हमारा आ गया है। अब मैं इसकी कटिंग करना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो कटिंग करते वक्त हमें, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कि यहाँ से हम लेते हैं तकरीबन, लेंगे हम 5 इंच के करीब इसका शोल्डर होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारा आर्म होल होगा 5 इंच के करीब, और यहीं से हम इसको निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ हमारी कमर की विथ होगी 6 इंच के करीब। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ये हम 2 इंच बड़ा करके यहीं मैं इसका गले के लिए सेटिंग कर रही हूँ। ये यहाँ तक हमारा कट चुका है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास कितना पीस बचा है। ये छोटा सा पीस निकला है, इसे हम अपनी छोटी सी आस्तीन निकालेंगे। ठीक है, ये स्लीव वाला बना रही हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप इसको, ये साइज़ मैं दिखा देती हूँ आपको, तकरीबन 3.5 इंच है ये हमारी लेंथ, ये निकालने के बाद, और विड्थ जो है 7 इंच के करीब है। ठीक है, तो अब हम इसको इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमने इसको हल्का सा कट लगाया और ये जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम यहाँ पे इस तरह चुन देंगे और ये आस्तीन हमारी इस तरह से खड़ी भी होगी यहाँ पे। इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब ये जो हमारे पास पीसेस बचे हैं इसकी हम बैक की पट्टी निकाल लेंगे और अपनी पट्टियाँ भी हम इसमें से गले के लिए कटिंग करेंगे क्योंकि हम आस्तीनों के लिए पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। चले हम इसको सीना स्टार्ट करते हैं और ये हमारी एक लेफ़्ट ओवर कपड़े में से ज़बरदस्त किस्म की फ़्रॉक बनेगी। ये देख रहे हैं हमने साइडें थोड़ी सी सी ली है क्योंकि हमारी किनारी नहीं थी। अब इसमें हम जिप लगाएंगे सबसे पहले अपने। ये दोनों तरफ से इस तरह रख के मैं सबसे पहले ये जिप लगा के इसको रेडी करूँगी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फिर हम अपना फ्रंट तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह हमने ये जिप लगा ली है, आपको ये नज़र आ रहा होगा ये हमारी यहाँ से। अब उसके बाद हम इसको फ्रंट को रेडी करेंगे। फ्रंट में ये हमारी स्लीव है, इसको एक तरफ रखेंगे और सबसे पहले इसको हम सियेंगे और बिल्कुल सिंपल कुछ भी नहीं करना हमें, सीधा सीधी सी सिलाई लगानी है इसके अंदर। ये देख रहे हैं ये इस तरह हमने लगाया इसे और अब हम यहाँ से इसकी इसके शोल्डर सियेंगे, ठीक है सबसे पहले। और बिल्कुल देखेंगे बराबर है, जहाँ छोटा बड़ा अगर ये होगा तो आप इसकी कटिंग करके सेटअप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ये शोल्डर सीने के बाद जो है ये हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे अपने गले के ऊपर, ठीक है। ये रेडी करके फिर मैं स्लीव लगाना आपको बताती हूँ कि हम स्लीव किस तरह लगाएंगे। आप देख रहे हैं हमारी ये बिल्कुल सिंपल सी फ्रॉक जो है ये हमने गले में पाइपिंग लगाया है ये जिप लगाने के बाद, और ये हमारा ये हमने इस तरह जोड़ एक तरह से लगाया था, मगर ये हमारे डिज़ाइन की सूरत में काम आएगा क्योंकि यहाँ पे हम तीन ऐसे बटन लगाएंगे सादे वाले जो इसकी खूबसूरती बढ़ाएगी। और ये फ्रॉक बहुत सिंपल सी है और ये देख रहे हैं आप इसका, ये हमने स्लीव में बेल लगाई है, जो हमारी एक बेल है हमारे पास होती है जो हम लोग अमूमन इसको फोल्ड करने के बजाय वो बेल लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसको सिंपल सा फोल्ड कर लें और करने के बाद जो है ये हमारी फ़्रॉक में यहाँ से लगेगा। और ये जितना हिस्सा है ये देख रहे हैं आप इसको, यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ, ये कट लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक सिलेगा और यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे 1 इंच के करीब, ठीक है दोनों तरफ से। ये देखना 1 इंच इधर से लगेगा हमारा और 1 इंच इधर। अब ये जो बीच में जो हमारा पीस आया है ये जो हमारी चुन्नट आएगी जो ये हमने लगाया है वो सिर्फ इसके बीच में आएगी, ठीक है। और ये बाकी हमारा इस तरह आएगी स्लीव, बस इस तरीके से उठेगी, ठीक। एक पीस हम आपको लगा के सेट करके दिखाते हैं। ये देख रहे हैं हमारी स्लीव लग गई है ये। अब ये हम साइडें सियेंगे इसकी और सीने के बाद जो है ये हमारी स्लीव जो है ये सिर्फ साइडें सिलेंगी इस तरीके से, ये देखें आप। और ये स्लीव हमारी इस तरह आएगी, ये सिर्फ ये उठी हुई होगी, बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी, देख रहे हैं आप ये। और हम दोनों साइडें दोनों स्लीव लगाने के बाद साइडें सियेंगे और उसके बाद अपना स्कर्ट इसमें एडजस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारे छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से हमने एक खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार करी है जो तकरीबन 19 इंच की है और ये 2 साल 2 ईयर बेबीज़ के लिए होगी। और अगर आपको हमारी ये खूबसूरत सी फ्रॉक पसंद आए जो कि हमने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस की मदद से बनाई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस ट्यूटोरियल एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एज़ वेल। Thank you so much.